मैंने यही प्रोडक्ट लगे और अकाउंट से पैसा कटे वाला। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना ये सब करने से? क्या प्रॉब्लम सर? ये जैसे फ्रॉड होता है वैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। होगा मो अकाउंट रे जहाँ भी पैसा थिला सब किछि पळेला, सिंगल मेसेज टे भी मो पास आसलानी जे तुम अकाउंट रे ती पैसा कटिछ बोली अछि टंका टे 61। ये बोल रहा हूँ सर, आपका जो पार्सल है ना जो मिस रूट होने के कारण डीएक्टिव हुआ है ना, उसको एक्टिवेशन करेंगे तभी वो डिलीवर हो पाएंगे। एक्टिवेशन चार्जिंग ओनली कंपनी का ₹5, वो आपको ₹5 मैं भेजूं आपको? पहले मेरा कितना रुपया था, अभी कितना है, भेजूं आपको स्क्रीनशॉट? मैंने यही प्रोडक्ट लगे और अकाउंट से पैसा कटे वाला स्कैम है वाला कौन अच्छे एडम अलग के देखे बाकी स्कैम टा किमथि होला सेटा मु देखो जे। हाय हेलो नमस्कार सांग माने, मु संबित आपण मन को मो चैनल संबित सिंह ब्लॉग रे मोस्ट वेलकम। तो एबे रिसेंटली मो संगरे ओटे ऑनलाइन ने फ्रॉड हेची, मु से विषय रे आज आपण मन को जणेबी, मोर से बैड एक्सपीरियंस विषय रे जणेबी, किमथि ठकामी रे फसी गली से विषय रे डिटेल जणेबी। प्लीज वीडियो रे लास्ट जाय थान तो जमति कि मो संगे हेची से सब मु चाहने आपण मन के संगे हो। तो मो संगे फ्रॉड केमिथि होला सेडा मु एबे जणै दोची। एक्चुअली कथा होला मु गोटे प्रोडक्ट ऑर्डर करथिली अगस्त 1st रे, मिनिमम गोटे पार्सलटे पहुँचा को 1 week टाइम नहीं, मोर एटा 8-9 दिन हो गला। अगस्त 9 मत कलटे आसला, भाई तुम प्रडक्ट जोड़ा अच्छे डिस्पैच हो जाए डिसमिस हो जाए तुम से रिसीव करना। एक्चुअली मत सिंगल मेसेजटे भी कलटे भी आसनी जो मुझे प्रडक्ट मैंने के रिसीव करी कौन कोरियर किसी भी लिंक आसनी, तो मुझे कमी जानवि से विषय में सडन 9 तारिख में कल आसला तुम प्रडक्ट एमती डिस्पैच हो जाए आउ जदि तुम्हें आपको रिसीव करार अच्छी ताले ए लिंक रे 5 पैसा पठाओ तापर एटा आमे कंटिन्यू करबो नले डिसकंटिन्यू करबो प्रोडक्टटा तुम्हारे पहुँचबोनि जोठु गासि सेठी के पहुँचबोनि आम पाखे रहिजबो बुझि छड़ो। 5 टका तो दे देबा तो मु पैसा जेमिति दे देली तापर से मोथरु तो पैसा कटिला सेटा शो कलानि तापर से गोटे लिंक पठेले ए लिंक को टच करो आउ ए साइटटा ओपन हबो से साइड को जाकि ओके मारि सारा पर तुम जो प्रोडक्ट ऑर्डर करो सर ट्रैकिंग नंबर मिल जाओ। ट्रैकिंग नंबर मिल सारा पर कोठी अच्छी लोकेशन डा जाना पड़ जाओ आ केबे रिसीव हो सेटा भी जाना पड़ जाओ। मत ठीक लगलानी मु ट्राए कलि तागुर मो अकाउंट रे थिला केते 3600 टका मु मोर गोटे सांग को शेयर कर देली 2600 टका आ 1000 टका रहला। मु जानी फ्रॉड हो बोली कहली मो पाखे 1000 टका खंडे रखिली इमरजेंसी। तपर मत जो कलटा आसला मुझे कल रिसीव कलि मत कथा कि इच्छा है मत कथा ठीक लगलानी बट प्रडक्टा रिसीव नक असुविधा मोर ही लस हो मोबाइल कथे चलो कथली तपर कहला आज ही कोरियर बॉय पहुँची जब सबकि सर्टआउट कर सारे देख गोटे ओटीपीटे जाइए ओटीपीटा खाली आमको सेयार कर बोले जिनस न आसला जाए ओटीपीटा मुझे कमी सेयार करी तो मुझे सेयार कलिपर कह अच्छा ठीक अच्छे मुझे गोटे आप्लिकेसन टे पठे दूँ ह्वाट्सअप से आज इनस्टल कर दिंतु से उठ ही मोर सब किछि पळेला जानिपालिनि से टाइम डा। तो कलाटा ट्रैकिंग आईडी पकेले ट्रैक हो पार कौटी अच्छे तुम जापर जो मुझे आप्टा जमी इनस्टल करी से एक्चुअली से आप्रे कौन थाए तुम सबकि डाटा ट्रांसफर हो जाए फोन रु ही डाटा ट्रांसफर हो जाए। मुझे जो भिडियो देखिली यूट्यूब्रे मुझे जानी जिनसा तो डाटा ट्रांसफर जमी मोर हो गला मो अकाउंट रे जहाँ भी पैसा थी सबकि पलैला सिंगल मेसेज टे भी मो पास आसलानी जो तुम अकाउंट रे ती पैसा कटिचु बोली तो सैटा मुझ पचर चेक जमी कली सी गोटे ही किसी कम कला पैसा मुझे जन को पैसा पठेली पैसा गलानी मो सैड्रु मुझे मो अकाउंट चेक कली पैसा अच्छे टाटे 61 पैसा मुझे भॉइस मानने सागे जहाँ भी कथा से फ्रॉड लोकटा सांगे से भॉइस मेसेज मुझे आपको सेयार करें जानतु केमी केमी कथा कहते केमी से मैनिपुलेट कर दिखती कथा फसई दिखती तो ये टाइप रिच्छे सिचुएसन आपड़ी हम आप भाभी चिंती स्टेप ने नंबर कल आसाला मुझे तले ये देखिए देखी दिखुद आउ वॉइस रिकॉर्ड भी सुन। यस मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपका जो पार्सल है ना जो मिस रूट होने के कारण डीएक्टिव हुआ है ना, उसको एक्टिवेशन करेंगे तभी वो डिलीवर हो पाएंगे। एक्टिवेशन चार्जिंग ओनली कंपनी का ₹5, वो आपको ₹5 लोकल डिलीवरी बॉय का नंबर मिलेगा, आप उनसे बात करके डिलीवरी जल्द से जल्द रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना ये सब करने से? क्या प्रॉब्लम सर? ये जैसे फ्रॉड होता है वैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा ना? देखिए सर, आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप इच्छा है तो आप करा सकते हैं, आप इच्छा है तो आप नहीं करा सकते, कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है सर। नहीं मैं तो मेरा ही लॉस होगा ना, पार्सल नहीं आएगा, मैं 10 दिन से ऐसे ही वेट कर रहा हूँ, पार्सल कब आएगा? ये आपका पार्सल मिस रूट होने के कारण आपका पार्सल डीएक्टिव हुआ है सर। पेमेंट कट हो गया। कितना पेमेंट किया आपने? ₹5 किया जी। आपने कौन सा बैंक से पे किया? SBI।
स्टेट बैंक से आपने पे किया है, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? जी जी। देखिए मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पर कस्टमर सपोर्ट मैंने आपको भेजा, आया जी? ओपन हुआ? इंस्टॉल कर लो। हाँ इंस्टॉल करें। आ रहा है, गो टू मैसेज बॉक्स। कौन सा नंबर आ रहा है? 900 ओके 467 6782। हो गया है क्या जी? और कोई आपका अदर कोई बैंक नहीं, क्योंकि आपका इस बैंक से पेमेंट कंफर्म नहीं हो पा रहा, कोई अदर बैंक है तो उससे एक बार ट्राई कर लेंगे भैया? अदर बैंक नहीं है, अदर बैंक ही नहीं है, अदर बैंक नहीं है, मैं कैसे करूं? ओनली एक ही बैंक है सर जी, क्योंकि इस पे पेमेंट नहीं आपका हो पा रहा है, कोई अदर व्यक्ति अदर बैंक से करवाते तभी आपका हो पाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति है जो वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं? नहीं मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए, डिलीवरी बॉय कुछ टाइम के अंदर कॉल करके आपको कॉल करेंगे, ठीक है? किसी से करवाइए पेमेंट आप। जी जी उसके बाद क्या बोले? उसके बाद हो जाएगा? हाँ उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और उसके बैंक से कितना रुपया कटेगा? 1 रुपया भी नहीं कटेगा सर। और मेरा अकाउंट से कितना रुपया कटा है अभी? 1 रुपया भी नहीं कटा है आपका। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं सर। तो मैं भेजूँ आपको पहले मेरा कितना रुपया था अभी कितना है, भेजूँ आपको स्क्रीनशॉट? किस बैंक से कटा है आपका? SBI। और बस SBI से ही कटा है, दूसरा खाता सब। କିଛି ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଇଟ୍ଟା, ତା ନାଁ ହେଲା ସାୟ ଟ୍ରାକିଂ ଡେଲିଭରି APK। ତ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଟଚ୍ କରିକି ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଲି, ତ ମୋର ଫୋନ୍ର ଯାହା ବି ଥିଲା ଡାଟା ସବୁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯେମିତି ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ସବୁକିଛି ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। OTP ମେସେଜ ଏମିତି ଆସିବ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ମେସେଜ ଆଉ OTP ଆସିଛି, ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ଦିସ୍ OTP। ସବୁ ସବୁ କିଛି ଏକଦମ ପ୍ରପର୍, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ କେଉଁଟା ଫେକ୍ କେଉଁଟା, ସେୟା ତା ପାଖରେ ବି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ତାର ସବୁ କିଛି ବାୟୋଡାଟା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ବୋଲି, ଫ୍ରଡ୍ କୋରିୟର ବଏ କଲ୍ ତାର ନମ୍ବରରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ହଉ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋରିୟରଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେ ଭାଇ ତୁମର ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତୁମ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେଇଯିବ, ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତୁମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ନମ୍ବର ନଥିଲା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 5 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ନିଜର UPI ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଠି ମୋ UPI ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଏତେ ରିସ୍କ ବି ନୁହଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି UPI ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ସେୟା ଭାବିକି ଦେଲି। UPI ନମ୍ବର ଦେଲା ଭିତରେ ସେ କହିବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟେ ଆମକୁ ପଠାଅ, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପଇସା କଟିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଜଣାଇ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ତୁମେ ମେନ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ପଇସା କଟିଯାଇଥିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ପଇସା କଟିଛି ବଟ୍ ଶୋ କରୁନି, ଆଉ ତ ସେ ଆସିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ନହେଲେ ପଠାଅ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ କି ବାପା କାହାର ଆଇଡ଼ିରୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରୁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଥାଉ ପଇସା ତ କଟିଛି ଇଏ ହେଇଯିବା କଥା, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ବଏ ଏମିତି ତ କେହି କରନ୍ତିନି, କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ତୁମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିନି, ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଠାଅ, ଏଇଠୁ ମାଲ୍ ବାହାରିବ, ଏସବୁ କେବେ ବି ହୁଏନି। ମୋର 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସିକ୍ୟୁର ରୁହନ୍ତୁ, ଜିନିଷଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସୁଛି ରିସିଭିଂ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପନ୍ତୁ ମସ୍ତ। ତ ତାପରେ ତାପରେ ମୋତେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠେଇବୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ପଠେଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି, ସେ ନାଁଟା ହେଲା ତା'ର ଡେଲିଭରି APK, ସେଇଟା ଏମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି, ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ବି ଦେଇନି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ସେଥିରେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁକିଛି ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁକିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ, ପଇସା ଗଲା ଆଉ, ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ବି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ରଖିନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମଟେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ମୋର ପଇସା ପଳେଇଲା,
ଆଉ ତ ସେଇଆ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ହଉ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେସବୁ ହିଁ ଦେଖାଏ, ବାକି ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଏ। ମୋର ସେମିତି ଫ୍ରଡ଼୍ କି ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରେନି, ଓକେ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଓକେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ନମ୍ବର ଅଛି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ହେରିକା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହେଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି କିଛି ବି କାମ ହେବନି, କାହିଁକିନା 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏତିକି ବି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଦେଇପାରିବେ, ଓକେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତୁ। इसमें साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइबर अपराधी पकड़ाए हैं, और ये मोबाइल फोन, एक बार मोबाइल फोन की तरफ लीजिए जरा, ये मोबाइल फोन उनके पास से पकड़ाए हैं, जो लगभग 30 के आसपास मोबाइल फोन। हमारे ऊपर कोरियर का कॉल आता है, कोरियर कंपनी का फ्रॉड करते हैं, कोरियर कंपनी का कॉल आता है, ठीक है। उसमें जैसे वो बोलता है की मेरा अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है, तो उसको बताते हैं कि 2 रुपए का चार्ज लगेगा, अभी आपका पार्सल होल्ड होगा, शायद पार्सल होल्ड होगा, 2 रुपए का चार्ज लगेगा, 2 रुपए का चार्ज लगेगा। और व्हाट्सएप द्वारा उसको लिंक बेस APK फाइल देते हैं। कौन सा फाइल देता है? बेस APK फाइल, base.apk। इसके बारे में आप जान लीजिए कि base.apk जो फाइल होता है ये एक SMS फॉरवर्डर होता है। अगर आपने base.apk फाइल डाउनलोड कराया तो SMS फॉरवर्डर के जरिए आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपके मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाएगा, जो कि सिम बाइंडिंग का एक प्रोसेस होता है, अभी आपको आगे बताएंगे। उस APK फाइल के जरिए आपके मैसेज से वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरे अकाउंट से सर पैसा कट गया, मेरे को पता भी नहीं चला। आपने base.apk फाइल डाउनलोड किया होगा या अदरवाइज एक कोडेड मैसेज को किसी पर्टिकुलर नंबर पे आपने भेजा होगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होता है। तो UPI से कितना पैसा निकलता है? एक दिन जैसे लॉग इन करते हैं तो 500 उसको काटना होता है, जैसे उसका 24 घंटा अपडेट करना होता है, उसके बाद आप 1 लाख रुपए उसको निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने आपके UPI को लॉग इन कर लिया या एक्सेस ले लिया तो पहला दिन 5000 रुपए तक, और नेक्स्ट जो फ्रॉड होगा वो आपका 1 लाख रुपए तक एक्सेस कर सकता है। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visual.